नमस्कार, आप देख रहे हैं जे नाइन न्यूज में आप सबका स्वागत है। बाराबंकी सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने गए सपा नेता आशीष आयरन को पुलिस ने मारपीट कर कोतवाली में बंद कर दिया। उसके बाद सपा जिला अध्यक्ष मोहम्मद आवाज और पूर्व जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह के पहुंचने पर दारोगा ने माफ़ी मांगा और मामले को शांत कर दिया। आइए देखते हैं दिनेश वर्मा की एक रिपोर्ट। इन्होंने बैठा दिया, जांच बैठा दिया कि यहाँ बाहर से पैसा आ रहा है, लोग जो है आवाज इसलिए उठा रहे हैं। अरे क्या बात करते हैं, पैसा से कोई जो है कोई अपनी तो अपनी बेटी दे दोगे क्या? पैसे के लिए कोई करता है क्या? वह परिवार बार बार यह कह रहा था मुझे पैसा नहीं चाहिए। उनका बयान सुन लीजिए, मुझे मेरी बेटी का लाश दे दीजिए, मैं देख लूं, मेरे रिश्तेदार देख लें, मुझे किस दिन मेरी बेटी का लाश दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना नौकरी चाहिए ना पैसा चाहिए। लेकिन मैं अंतिम घड़ी में, ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये देश का संविधान देता है। अब इनका नाटक आपको बताएं, 25 जुलाई को बीबी ने प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, जो ये इलाहाबाद में जिन वाल्मीकियों को इन्होंने पैर धुला था तो उसका नाम शीतल है, पूरी टीम को उन्होंने नौकरी से बाहर कर दिया। दीदी 25 जुलाई को जब ट्वीट करती हैं कि यह सिर्फ वीडियो शूट था, पहले उनको सैनिटाइजर कराया गया था, पहले धुलाया गया था, फिर फोटो बनवाया गया था, सिर्फ फोटो शूट किया और कहा कि हम वाल्मीकियों का पैर धुले, स्वच्छाग्रहियों का पैर धुले, और हुआ क्या, उनको नौकरी से बाहर कर दिया। 4 महीने तक वो भटक रहे थे। जब आदरणीय हमारी प्रियंका गांधी जी आवाज उठाती हैं, ट्वीट करती हैं, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो ये जो है 25 जुलाई को सुबह दीदी का जो है फेसबुक पर चलता है कि स्वच्छाग्रहियों को बाहर किया गया, आखिर कब नौकरी देंगे, तो उसी दिन कमिश्नर बुला करके उनको जो है जुलाई में ही 20 जुलाई को नौकरी देने का जो है आपके दैनिक जागरण ने और अखबारों ने बहुत अच्छे से उसको किया। तो ये केवल जैसे पिक्चर बनता है तो वो लाइफ बॉय का प्रचार का चीजें अलग होती है और वो हीरो खाता है दूसरा चीज। तो हमारे योगी जी मोदी जी प्रचार करने का एक तरीका अपना लिए हैं, एक व्यवस्था अपना लिए हैं, बाकी ना तो इनको किसी नारी से मतलब है, ना महिला की सुरक्षा से मतलब है, ना पत्रकार की सुरक्षा से मतलब है, ना आम इंसान जनमानस की सुरक्षा से मतलब है। तो ऐसे रंजीत बहादुर श्रीवास्तव को हम कहते हैं बहादुर नाम हटा देना चाहिए, अपने नाम के पीछे से जो आपने बहादुर लिखा है उसको हटा दीजिए और जो है आपको हम लोग मिलकर के जेल के लिए व्यवस्था कर रहे हैं जब तक मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। आगे हम सब महिलाओं को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर पता लगा लें कि ये प्रोटेस्ट देने वाला पैसा एजेंसी कहाँ से आ रही है। मतलब जब कोई मुश्किल आ जाए, जब कोई उत्पीड़न हो जाए किसी के साथ, अगर कल को कहेंगे सब पत्रकार साथी भी पैसा ले लिए, तब वो अखबार में लिखते हैं। भाई लोकतंत्र है, अब लोकतंत्र में क्या आप आवाज दबा देंगे? आप झूठे पैसा दिखा करके किसी को इतना बड़ा ये चीजें कर दिया। आंदोलन कैसे करेंगे? आंदोलन आंदोलन